गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है पासपोर्ट लेने के लिए पुर्तगाल का। और कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि जब हमें पहला TRC कार्ड पुर्तगाल में मिल जाता है तो उसके बाद क्या हमें बैठे बैठाए ही पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि पुर्तगाल में TRC कार्ड मिलने के बाद क्या होता है, जिसको आप रेजिडेंस कार्ड भी बोलते हो, जिसके चक्कर में हम सब लोग यहाँ आते हैं, उसके मिलने के बाद क्या होता है और आपको कितने साल बाद पुर्तगाल की नेशनैलिटी मिल जाती है, जिसको आप पुर्तगाल की नेशनैलिटी और पासपोर्ट भी बोलते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर ये वीडियो है और आपको कितने साल में मिलता है, क्योंकि कुछ लोग मुझे कह रहे हैं इसके ऊपर वीडियो बना दें, क्या हमें 5 साल के अंदर अंदर पासपोर्ट पुर्तगाल का मिल जाएगा। तो एनी बेस के ऊपर ये वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, और ऐसे ही आप मुझे कमेंट्स के नीचे लिख सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह हो, तो मैं कोशिश करूंगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। और कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि जब हमें पहला TRC कार्ड पुर्तगाल में मिल जाता है तो उसके बाद क्या हमें बैठे बैठाए ही पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाएगा। तो आप लोगों के पास बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आज मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। और मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन की बहुत कदर करता हूँ। ऑफकोर्स मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी और कंट्री में मूव होना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, हमें पुर्तगाल में जाके कौन कौन से फ़ायदा होंगे, कौन कौन सी हमें फैसिलिटी वगैरह मिलेंगी। तो ऑफकोर्स मैं आपके इस सवाल की बहुत कदर करता हूँ। तो जी देखिए, समझिए कि आप पुर्तगाल में आ गए हैं और पुर्तगाल में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। और आपको जो पहला कार्ड मिलता है वो आपको 2 साल 2-3 महीनों में मिलता है, मीन के 26-27 महीनों में मिलता है। कोई एजेंट आपको कहता है कि आपको आपका कार्ड रेजिडेंस कार्ड 2-3 महीनों में या 1 साल में मिल जाएगा, तो समझो वो आपको चिपका रहा है, ठीक है। एनीवे ये हो गया। और आपको ये कार्ड, पहला कार्ड लेने के लिए आपको टैक्स देने होते हैं, और जब आप टैक्स वगैरह दे देते हो और आपको फिंगर की डेट वगैरह मिलती है, और उसके बाद आपको आपका कार्ड मिल जाता है। और आपको 6 से 8 टैक्स चाहिए होते हैं अगर आप वैलिड वीज़े के साथ इंटर करते हो। अगर आप वैलिड वीज़े के साथ इंटर नहीं करते तो फिर आपको 12 से 14 टैक्स चाहिए, ठीक है। ये हो गया, पहला कार्ड आपको 2 साल का मिल गया। और जब वो ख़त्म हो जाता है फिर आपको 3 साल का मिलता है, और 3 साल का ख़त्म होता है तो फिर आपको पासपोर्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन मेन टॉपिक, जो मेन मुद्दा है हमारा, वो ये है कि जब आपको 2 साल का पहला कार्ड मिलता है, उसके बाद जनाब ऑफ कोर्स आप अपनी फैमिली को मिलने इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जा सकते हो। आप गैप डाल सकते हो 3-4 महीने का, आपको अपनी पॉकेट से टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले कार्ड के बाद आपको 5 साल वाला टाइम बाद में स्टार्ट होगा। समझ आई आपको बात? मीन के ये नहीं, जिस दिन आप इंटर हुए हो आपको 5 साल जो आपको नेशनैलिटी मिलनी है वो आपका तब से स्टार्ट होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे बहुत सिस्टम है। जब आपको पहला कार्ड मिल जाता है रेजिडेंस कार्ड, ठीक है, उस दिन से आपका 5 साल वाला टाइम स्टार्ट होता है पुर्तगाल का पासपोर्ट लेने का, ओके। और इन 5 सालों में आपको टैक्स दरकार होते हैं, रिक्वायर होते हैं, ठीक है, जो आपने गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है पासपोर्ट लेने के लिए पुर्तगाल का? 50, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, और 5 सालों में आपको 50 टैक्स देने होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो 42-43 टैक्स के ऊपर भी अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर देते हैं। कुछ लोग 46 टैक्स देने के बाद भी नेशनैलिटी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अपनी अपनी लक पे भी डिपेंड होती है। लेकिन अगर आपके पूरे 50 या 52 हो जाते हैं टैक्स, ऑफकोर्स ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके 50 नहीं होते और अंदर में आपका गैप भी हो जाता है तो नो वरी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब आपका TRC कार्ड आता है तो आप घूमने फिरने भी जाते हो, कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप हर महीने पूरे सालों साल काम नहीं भी कर सकते, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और इन 5 सालों में आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट लेने के लिए आपको स्कूल भी करना होता है, आपको लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी लेना होता है। इस वजह से आप लैंग्वेज यार सीखा करो, एक एक लफ्ज सीखो, चाहे कैसे भी सीखो लेकिन सीखो, लेकिन बाद में तो आपको स्कूल में सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। तो इन 5 सालों में आपके पास टाइम होता है, स्कूल करो, और इन 5 सालों में आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। और पुर्तगाल अपने बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हो, ऑफकोर्स आपकी फैमिली का यहाँ पे फ्यूचर है, आपके बच्चे वगैरह हैं, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्कूल वगैरह यहाँ पे फ्री हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ इन नेक्स्ट कमिंग डेज, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई स्टडी का कोई आपको पैसा पे करना नहीं होता, क्योंकि दुबई सऊदी में स्टडी बहुत महंगी है, लेकिन पुर्तगाल में, यूरोप में स्टडी ऑलमोस्ट फ्री होती है, ठीक है। तो जी जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, जब आपको TRC कार्ड मिल जाता है तो आपको अगले पाँच सालों में आपको 50 टैक्स देने होते हैं, लेकिन आप अपनी नेशनैलिटी 42-43 टैक्स देने के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखें, जैसे कि 2 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरा एक दोस्त है
तो उसने 42 टैक्स देने के बाद ही अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर दी है, लेकिन अभी तक उसको पासपोर्ट नहीं मिला। मेरी दुआ है उसको जल्दी पासपोर्ट मिल जाए ताकि मैं आप लोगों के साथ उसको वीडियो में लेके आऊँ और जो भी बात है एक्सपीरियंस वगैरह आपको शो भी कर सकूँ। लेकिन फिलहाल उससे पासपोर्ट नहीं मिला, उसका प्रोसेस में है काम, तो देखते हैं कब तक उसको मिलता है। लेकिन मीन के 45-46 टैक्स देने के बाद भी आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है 7 से 8 सालों में ये आपको पासपोर्ट मिलेगा। ओके, क्योंकि पहले आपको 2 साल काउंट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप वो 2 साल भी काउंट करेंगे फिर तो आपको कार्ड आपका 5 साल में मिल जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहले आपके 2 साल जो आपको TRC कार्ड मिलने वाला होता है वो काउंट नहीं होते, TRC कार्ड मिलने के बाद आपका 5 साल वाला टाइम स्टार्ट होता है। तो समझे कि आपका इस बीच में 7, 7.5 साल, 8 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। और जब आपके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट आ जाता है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, आप उसको कहीं भी चेंज करवा सकते हैं, UK, जर्मन, मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जब पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाते हैं, नेशनैलिटी मिल जाती है, तो वो किसी और कंट्री में, बेल्जियम, जहां जहां पे उनकी सेटिंग होती है, फिर वो वहां जाके उसको चेंज करवा लेते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि पुर्तगाल इज़ अ अमेजिंग कंट्री, ओके, और यहाँ पे आपके बच्चों का और आपकी फैमिली का बहुत स्कोप और बहुत फ्यूचर है। पहले सिर्फ 2 साल थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हो, अपना बिजनेस वगैरह ये वो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, और वीडियो पे कमेंट्स करना और लाइक करना कभी मत भूलें, और अपना क्वेश्चन जो भी हो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। तो आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मैं किसी से कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेता, और इसलिए मुझे खुद पे थोड़ा प्राउड भी आता है। तो आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, बाय।